पिछले 10 दिन से देश में धमकी का एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है। एयरलाइन से लेकर स्कूल तक सबको धमकी दी जा रही है, किसी को बम की धमकी दी जा रही है, तो कोई सूचना आरडीएक्स से जुड़ी हुई आ रही है, तो कहीं कहा जा रहा है कि फ्लाइट में आतंकी बैठ चुके हैं। जब जांच होती है तो हर धमकी झूठी निकलती है। सवाल यह है कि धमकियों का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो किसकी साजिश है, धमकी के सीरियल कॉल मैसेज उनके पीछे कौन छिपा है, क्या इन धमकियों का मकसद दहशत फैलाना है या फिर सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी को डेंट लगाना है। हर कोई जानना चाहता है कि थ्रेट कॉल्स के पीछे किसका चेहरा है, कौन सा षड्यंत्र है। पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। फ्लाइट में बम होने की धमकी, सीआरपीएफ स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, धमकी पर धमकी। पिछले 10 दिनों से कभी फ्लाइट में बम की धमकी तो कभी स्कूल में धमकी मिल रही है। धमकी पर धमकी वाला ये डरावना खेल बंद नहीं हो रहा। पिछले 24 घंटे में इंडिगो की 10 फ्लाइट को धमकी मिली है। 6E63 दिल्ली से सऊदी अरब के जेद्दाह जाने वाली फ्लाइट को थ्रेट, 6E12 तुर्की के इस्तांबुल से दिल्ली आने वाली फ्लाइट में ब्लास्ट की खबर, 6E83 दिल्ली से सऊदी अरब के दमाम जाने वाली फ्लाइट में धमाके की धमकी, 6E65 कोझिकोड से सऊदी अरब के जेद्दाह जाने वाली फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, 6E67 हैदराबाद से सऊदी अरब के जेद्दाह जाने वाली फ्लाइट में ब्लास्ट का थ्रेट, 6E77 बेंगलुरु से सऊदी अरब के जेद्दाह जाने वाली फ्लाइट में धमाके की धमकी, 6E18 तुर्की के इस्तांबुल से मुंबई आने वाली फ्लाइट को उड़ाने का थ्रेट, 6E164 मैंगलोर से मुंबई जाने वाली फ्लाइट को उड़ाने की धमकी, 6E118 लखनऊ से पुणे जाने वाली फ्लाइट में बम की खबर, 6E75 अहमदाबाद से सऊदी अरब के जेद्दाह जाने वाली फ्लाइट में ब्लास्ट की धमकी। धमकी का सिलसिला सिर्फ एक फ्लाइट कंपनी तक सीमित नहीं है, हर दिन हर उड़ने वाला जहाज धमकीबाजों की लिस्ट में है। सोमवार रात से मंगलवार सुबह तक 10 एयर इंडिया, 10 विस्तारा, 10 इंडिगो विमानों को धमकी मिली थी। मंगलवार दोपहर 3:15 से 13 एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI-101 दिल्ली से न्यूयॉर्क, AI-103 दिल्ली से वॉशिंगटन, AI-105 दिल्ली से न्यू जर्सी, AI-111 दिल्ली से लंदन, AI-119 मुंबई से न्यूयॉर्क, AI-121 दिल्ली से फ्रैंकफर्ट, AI-127 दिल्ली से शिकागो जाने वाली, ऐसी एयर इंडिया की 13 फ्लाइट्स को धमकी दी गई। एयर इंडिया में सफर करने वाले सैकड़ों यात्रियों पर क्या बीती होगी जब फ्लाइट में बम की धमकी दी गई। लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुका। एयर इंडिया का पैनिक अलार्म अभी हाई वॉल्यूम पर बज ही रहा था, तभी एक और डेंजर बटन दबा दी गई। शाम 4:30 तक 11 विस्तारा फ्लाइट को धमकी मिली। नेशनल, इंटरनेशनल, लंदन जाने वाली फ्लाइट, बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट, अमेरिका जाने वाली फ्लाइट, दिल्ली जाने वाले प्लेन, सबको धमकी मिली। एक भी धमकी को हल्के में लेने की गलती कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वाकई धमकी सही निकली तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन धमकीबाजों ने एविएशन सेक्टर पर ब्रेक सा लगा दिया है। 43 धमकी ट्विटर और सोशल मीडिया के जरिए दी गई है। सब धमकियों में एक बात कॉमन है, फ्लाइट में बम है। हर धमकी के बाद आसमान से जमीन तक हड़कंप मच जाता है, इमरजेंसी प्लान एक्टिव हो जाता है, पैनिक सिचुएशन हो जाती है, प्लेन की चेकिंग बार बार होती है, जिसकी वजह से फ्लाइट कई घंटे लेट हो जाती है। दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, बेंगलुरु, देश भर के एयरपोर्ट्स पर हर रोज यही मंजर दिख रहा है। पिछले 10 दिनों में 150 से ज्यादा फ्लाइट्स को धमकी मिल चुकी है। फ्लाइट्स को मिलने वाली धमकियों का यह आंकड़ा लगातार
बढ़ता जा रहा है। 90 से ज्यादा फ्लाइट्स की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। एविएशन इंडस्ट्री को 10 दिन में 500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। हर दिन 50-50 फ्लाइट में बम की धमकी देना, हफ्ते भर से करीब 200 फ्लाइट में बम की धमकी देना कोई बहुत बड़ी साजिश है, जिसके टारगेट पर भारत का नाम, इंडियन इकोनॉमी, एविएशन सेक्टर और दहशत फैलाना है। धमकी कैसे मिलती है, कौन देता है, कैसे तहकीकात होती है, ये आपको एक एक सैंपल के साथ बताएंगे। भारत में बम धमाकों की अफवाह वाली स्क्रिप्ट कहां लिखी जा रही है? आसमान में उड़ते विमानों को जमीन पर लाने की साजिश कौन रच रहा है? सबकी जांच चल रही है, एक एक कड़ी को जोड़ा जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां हर थ्रेट को ट्रेस करने की कोशिश कर रही हैं। शुरुआती जांच में ट्विटर हैंडल @shizobomber10 को ट्रेस किया गया है। इसकी ट्विटर आईडी भी @shizobomber10 है और इसके एंड में बॉमर लिखा है। इस ट्विटर हैंडल से अलग अलग फ्लाइट्स में धमकी भरे ट्वीट किए गए हैं। ट्विटर हैंडल के जरिए कैसे दहशत फैलाई जा रही है? फ्लाइट में बम है वाला झूठा अलार्म बजाया जा रहा है। @shizobomber10 नाम के ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट किए गए हैं उनमें क्या लिखा है पढ़िए। फ्लाइट 91650 में बम है। ये फ्लाइट अमृतसर से प्रस्थान कर चुकी है और देहरादून में लैंड करने वाली है। सब मर जाएंगे। प्लेन पर मौजूद आतंकवादी जल्द ही बम विस्फोट करेंगे। कोई भी यात्री नहीं बचेगा, सिर्फ खून ही खून होगा। फ्लाइट में बम की धमकी की लगातार जांच हो रही है। जांच एजेंसियों को नई नई लीड भी मिल रही है, लेकिन हर घंटे फ्लाइट में बम के थ्रेट वाला नंबर बढ़ता जा रहा है। सिर्फ 24 घंटे में फ्लाइट में बम वाले 54 से ज्यादा थ्रेट मिल चुके हैं। फ्लाइट में बम को लेकर जितनी भी धमकियां आ रही हैं, उन सब के फोकस में सबसे ज्यादा दिल्ली है। दिल्ली से उड़ान भरने वाली और दिल्ली में लैंड करने वाली फ्लाइट्स को लेकर सबसे ज्यादा धमकियां मिली हैं। फ्लाइट में बम की धमकी वाले 50% मामले दिल्ली से जुड़े हैं। दिल्ली से जुड़ी 90 से ज्यादा फ्लाइट्स को लेकर अब तक धमकी मिली है। दिल्ली पुलिस भी इस मामले में एक्टिव हो गई। दिल्ली की फ्लाइट से जुड़ी बम थ्रेट के मामले में अब तक 8 मामलों में FIR दर्ज की गई है। ये मामले IGI पुलिस स्टेशन में दर्ज हुए हैं। इसके अलावा 82 मामलों में NCR फाइल की गई है। मुंबई में भी पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। कोची एयरपोर्ट पर भी सोमवार को एक यात्री को बम की धमकी देने के आरोप में हिरासत में लिया गया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है। फ्लाइट में बम को लेकर अब तक जितने भी थ्रेट मिले हैं सब के सब फर्जी निकले हैं, लेकिन इस फर्जी धमकी से देश भर में पैनिक क्रिएट हो गया है। देश भर के एयरपोर्ट को हाई अलर्ट पर रखा गया है। एयरपोर्ट पर जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। डॉग स्क्वाड एयरपोर्ट्स के चप्पे चप्पे की खाक छान रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्रालय ने सोमवार को इमरजेंसी मीटिंग ली। गृह मंत्रालय ने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और BCAS से डिटेल रिपोर्ट मांगी। CISF, NIA और IB को भी रिपोर्ट देने को कहा है। फ्लाइटों में बम की धमकी देने वालों पर नकेल कसने के लिए सरकार ने एक्शन प्लान पर काम शुरू कर दिया है, लेकिन अब एक और मुश्किल खड़ी हो गई है। अब तक फ्लाइट्स में बम की धमकी मिल रही थी, अब स्कूलों में भी बम की धमकी मिलने लगी है। स्कूलों में बम की धमकी के जितने भी थ्रेट आए हैं उनमें एक बात कॉमन है, जितने भी स्कूलों को धमकी वाले मैसेज भेजे गए हैं उन सभी में CRPF के स्कूल हैं। CRPF स्कूलों को ईमेल के जरिए IED ब्लास्ट की धमकी दी गई। ईमेल CRPF स्कूलों को सोमवार रात भेजा गया, जिसमें मंगलवार सुबह 11 बजे देश भर में सभी CRPF स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। जिन स्कूलों को धमकी वाले मेल भेजे गए उनमें दिल्ली की 2 और हैदराबाद का 1 CRPF स्कूल शामिल है। ईमेल भेजने वालों ने मेल में लिस्टेड स्कूल के कमरों में नाइट्रेट आधारित IED ब्लास्ट करने की बात कही थी।